पहले आप मछली पालन भी कर रहे थे, मुर्गी पालन भी कर रहे थे और खेती भी करते हैं साथ साथ, तो इतना सारा काम इसके साथ साथ कैसे बकरी पालन के लिए भी समय? हवा बने ले बर्बरी 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 बर्बर ला करके बाहर से बुड़बक बना करके बेच लेना, वो फार्मिंग नहीं होता है। बिल्कुल, इतना कितने को बर्बाद करेंगे सर, अब तो सुधर जाइए जी। नमस्कार, कै गो फार्मिंग चला रहा, कै गो फार्मर है, लोग फार्म खोल रहा नहीं चल रहा, ट्रेडर बन जा रहा है, खोल रहा नहीं हो रहा है तो खरीद बिक्री करने लग जा रहा है। बकरी पालन का एक ऐसा हवा बिहार में चला हुआ है कि बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं और बड़ा सोच लेकर के भी जुड़ रहे हैं, कुछ छोटे सोच लेकर के भी जुड़ रहे हैं, और जो बड़ा सोच लेकर के जुड़ रहे हैं वो फैल हो रहे हैं। मछली का जो बीज का स्पंज का बिजनेस जो है वो आगे बढ़े, लोग जिनको भी मछली का बीज का जरूरत हो, जो किसी भी प्रकार का मछली का बीज हो, बिल्कुल बिल्कुल वो इनके पास मिलेगा। सर ये बताएं दोस्तों, नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं नवादा के एक गाँव में, और एग्जैक्ट लोकेशन सर से ही जानेंगे। बकरी पालन कर रहे हैं, समेकित रूप से फार्मिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मछली पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन का कर रहे हैं सर बहुत अच्छे तरीके से, और इनसे ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लेंगे। बहुत अनुभवी व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से मछली पालन के क्षेत्र में है, तो इनसे ही जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शक बंधु को एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले। नमस्कार सर, अपना नाम पता बताएं। मेरा नाम नवीन कुमार जी, घर पेंगरी, प्रखंड वारसलीगंज, जिला नवादा जी। सर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग पहले से कर रहे थे, मुर्गी पालन, मछली पालन, सर फिर इसके बाद आपको बकरी पालन का ख्याल कैसे मन में आया, और कैसे आपको लगा कि बकरी पालन भी हमको करना चाहिए साथ साथ? इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर भरोसा करते हैं जी, इसलिए मुर्गी पाल रहे थे, गाय भी घर में पालते हैं, बकरी उसी पे लगा कि हमको बकरी भी पालना चाहिए, तो बकरी फार्मिंग स्टार्ट किए। जितेंद्र जी हमारे गुरु हैं, इन्हीं से ब्रीड वगैरह लाए। दोस्तों आप सभी ने आदर्श गोट फार्म का कई सारे वीडियोज देखे होंगे, वही जितेंद्र जी हैं, उन्हीं के माध्यम से हम यहां तक पहुंचे हैं, तो पूरा का पूरा क्रेडिट यहां का जो है जितेंद्र जी को जाता है। सर अभी आपने कितने बकरियों से अपना फार्मिंग की शुरुआत किए थे? 5 बकरी से शुरुआत की है फार्म का, 4 महीना पहले जी 5 बकरी से स्टार्ट किए थे, अभी मेरे पास करीब 20 के आसपास है। तो सर इससे पहले आप मछली पालन भी कर रहे थे, मुर्गी पालन भी कर रहे थे और खेती भी करते हैं साथ साथ, तो इतना सारा काम इसके साथ साथ कैसे बकरी पालन के लिए भी समय निकाल पाते हैं? समय मेरे पास स्टाफ है, मेरे पास स्टाफ है 2, कोई एक स्टाफ है मुर्गी देख लेता है, एक स्टाफ है बकरी देख लेता है, और हम तो इधर उधर रहते जी, हैं जी। सर शुरुआत कैसे हुआ ये बताएंगे हमारे दर्शक बंधु को, ताकि वो लोग भी समझ पाएंगे कि इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप मेंटेन कर रहे हैं, तो कैसे इन सभी चीज़ पर आप ध्यान दिए, कैसे आप शुरुआत किए ये थोड़ा सा बताएंगे। मुख्य रूप से हम कॉमर्स पढ़े हुए हैं, एम कॉम किए हुए हैं जी सर, वजह हुआ है व्यवसाय, व्यवसाय फार्मिंग में जुट गए तो हम सोचे इंटीग्रेटेड फार्मिंग है तो बकरी भी स्टार्ट कर लें, मेरा नई सोच हुई कि एक बकरी का भी काम स्टार्ट करते हैं, वही उसी समय से बकरी का फार्मिंग किए, जितेंद्र जी का यूट्यूब देखे और उन्हीं से संपर्क में आ गए, उन्हीं से लाए, अभी तो मेरे पास 20 लाइव है। कितने सर इससे पहले आप मछली पालन जो कर रहे थे उसमें कितने कट्ठे में आपने मछली पालन कर रहे हैं? मुख्य रूप से मछली का बीज का उत्पादन हम करते हैं जी जी, वही स्पॉन्ज लाते हैं जंदाहा, वैशाली जिला में एक जंदाहा फार्म है, वहाँ से मछली का स्पॉन्ज लाते हैं और बड़ा करके फ्राई बच्चा हम बेचते हैं, वही 5 कट्ठे का एक है, उसके बाद 2 छोटा छोटा बनाए हैं, अलग अलग हर एक किस्म का अलग अलग मछली का बीज उसमें उत्पादन होता तो है। कितने दिनों से ये काम आपका चल रहा है सर? 5-7 साल से लगभग मछली का काम चल रहा है जी जी। अब मुर्गी पालन कब शुरुआत हुआ इसके आसपास से? जी बकरी पालन? बकरी पालन तो 4-5 महीना 4-5 महीने से। तो किस नस्ल से सर आप शुरुआत किए थे, जब आप बकरी पालन की शुरुआत किए थे तो किस नस्ल से किए थे? बर्बरी है मेरे पास सब, बर्बरी से स्टार्ट किए हैं पूरा का पूरा बड़बड़ी। जी जी जी। तो बड़बड़ी नस्ल के बारे में आपको कैसे पता चला, चूंकि आज के समय में अपने गांव, अपने क्षेत्र के लोग ज़्यादा ब्लैक बंगाल की बकरियों को पालन कर रहे हैं आज अपने गांव में, ठीक है, अपने जो देसी बकरियों का पालन कर रहे हैं, लेकिन आप बड़बड़ी नस्ल कुछ मतलब अच्छे क्वालिटी के आप लाएँ सर, तो ये कैसे हुआ? हमको गवर्नमेंट इज्जत नगर बरेली जो है ना, प्रशिक्षण के लिए, मुर्गी प्रशिक्षण के लिए भेजा था जी सर, तो वहीं हम देखे थे बकरी का भी, बकरी का की प्रजाति को वहाँ भी मतलब समेकित्व के रूप से ही वहाँ भी ट्रेनिंग दिया गया, तो उसी दिन से हमको जुझान था कि बकरी का भी काम किया जा सकता है, तो हम बकरी का ये किए। तो सर ये बर्बरी नस्ल के बारे में आपको कैसे पता चला था? बर्बरी वही किताब उताब में देखा जाता था कि छोटी नस्ल है, इधर भी उसका
पालन किया जा सकता है, डैमेज नहीं होगा। और बड़ी बड़ी बकरियों का मार्केटिंग में भी दिक्कत होती है, और बर्बरी का मार्केटिंग में दिक्कत ना होगा, ना होता नहीं। तो उस समय सर शुरुआत अब जब किए थे तो कितने बकरियों से किए थे? 6 बकरी लाए थे, 6 बकरी लाए एक बकरी उसमें मर गया था। अभी आपके पास कितना है? वही 20 के लगभग है, 20 बकरी। ट्रेनिंग लेकर के शुरुआत किए थे? हाँ, ट्रेनिंग हम लिए थे बकरी का स्पेशल रूप से हिसुआ से, हिसुआ में गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है जी जी, वहीं से किए थे बकरी का स्पेशली। ऐसे हम इज्जत नगर भी गए हैं, उसके बाद करनाल भी ट्रेनिंग किए हैं समय के कृषि फार्मिंग में। 4 महीनों से सर आप फार्मिंग के क्षेत्र में हैं, 4 महीनों से आप बकरी पालन कर रहे हैं, इससे पहले आप मछली पालन करते थे। क्या लग रहा है कि बकरी पालन आज के जो नौजवान युवा है काफ़ी सारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि उनको करना चाहिए एक बेहतर ढंग से बर्बरी नस्ल की बकरियों को लेकर के करना चाहिए फार्मिंग या नहीं करना चाहिए? चाहिए तो बर्बरी नस्ल से ही प्रारंभ करना चाहिए। तो किसी तरीके का जिस समय आप स्टार्ट किए थे तो चार महीनों में किस तरीके का परेशानी भी आपको देखने को बहुत आता है? कभी किसी बकरी को पैखाना हो गया जो जानकारी के अभाव में, कोई बकरी मान लीजिए चर के आती है गर्म पानी पी ली तो उसको सर्दी हो गया, कभी पैखाना हो गया, तो दवा ववा की जानकारी होनी चाहिए। उस वजह से ऐसे डॉक्टर को आप कितना रोज बुलाइएगा, हल्का फुल्का आपको जानकारी है तो आपका काम हो जाएगा। तो उस समय सर आप जिस समय शुरुआत किए थे तो कितना इसमें पैसा आप लगाए थे? वही 60-65 हज़ार के आसपास लगाए थे। 60-65 हज़ार। तो अभी आपके पास टोटल का 12 बकरियां हैं? हाँ, 12 बकरियां और बच्चा, बच्चे हैं। हाँ, 1 लाख के लगभग का है। 1 लाख का है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आप प्रोग्रेस में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। काम तो आदमी करता है प्रोग्रेस के लिए ना। जी जी नहीं, बहुत सारे ऐसे अपने बिहार में सर किसान हैं जो फार्मिंग की शुरुआत किए, बकरी पालन की शुरुआत किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, काफ़ी कम दिनों में बंद कर। वही लगता होगा कि इसे बकरी स्टार्ट किए तो हम सोना तोड़ रहे हैं, यहाँ तो अभी हम लाइव का काम करें तो धीरे धीरे ही कोई काम होगा ना, एक बार तो रुपया आएगा नहीं। जी बिल्कुल, वही बात है। हमारी सोच 2 रुपये का है, 2 रुपया कमाओ कंटिन्यूटी बना रहे। तो क्या क्या परेशानी सर इन 4 महीनों में आपको देखने को मिला, ये थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को भी बताएंगे? परेशानी वही है, इसको सर्दी बुखार आ जाता है और पैखाना, पतला पैखाना होता है तो बकरी मरने का भी चांसेस बनता है। आदर्श गोट फार्म से ही बकरियां सब लाए थे? हाँ हाँ, आदर्श से लाए थे। तो जितेंद्र जी भी हैं हमारे साथ दोस्तों, आपको बता दें कि जितेंद्र सर भी हैं आदर्श गोट फार्म से, तो सर का वेलकम करना चाहेंगे। आइए, जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग नए होंगे अगर नहीं पहचान पा रहे होंगे आपको, तो छोटा सा परिचय दे दीजिए पहले। जी जी, मैं आदर्श गोट फार्म से जितेंद्र प्रसाद वर्मा, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। जी सर, कई सारे ऐसे किसान हैं आज के समय में कि बकरियाँ तो अपना ले लेते हैं स्टार्टिंग में ही, 10-15 बकरियों का पालन स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं फार्म में, लेकिन वो बहुत कम समय में अपना फार्म बंद कर दे रहे हैं। ये तो अभी सामने मिल गए भाई साहब जो अभी हमें बताएं कि हम फार्मिंग किए केवल 6 बकरियों को लेकर के, और आज हमारे पास 12 हैं प्लस में बच्चे हैं, तो इनका फार्म तो काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छा है इन 4 महीनों में। और आप उन किसानों को मदद करते हैं सर, तो काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जो इधर उधर भटक करके कई सारे जगह पे, मतलब गलत जगह पहुंच जाते हैं, गलत बकरियों का चुनाव कर लेते हैं जिनसे उनका फार्म में काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो सर उन किसानों को कुछ कहिए। देखिए सर, क्या है ना, बकरी पालन का एक ऐसा हवा बिहार में चला हुआ है कि बहुत लोग इससे जुड़ रहे हैं, और बड़ा सोच लेकर के भी जुड़ रहे हैं, कुछ छोटे सोच लेकर के भी जुड़ रहे हैं, और जो बड़ा सोच लेकर के जुड़ रहे हैं वो फैल हो रहे हैं, जो सिर्फ बकरी पालन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं वो मतलब कि फैल हो रहे हैं, जो शुरुआत में ही बहुत बड़ा फार्म बना ले रहे हैं, बहुत सारी बकरियां डाल रहे हैं। बकरी पालन जितना लोग आसान समझ रहे उतना आसान है नहीं। अगर आप सिर्फ बकरी पालन पे रहेंगे कभी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, और जो बड़ा स्तर से शुरू किया है 6 महीना साल भर के बाद हमसे बात करे वो फैल ही फैल है। आज 20 साल से अपने बिहार में बकरी पालन का हवा चला हुआ, कै गो सक्सेस है, कै गो फार्मिंग चला रहा है, कै गो फार्मर है, लोग फार्म खोल रहा नहीं चल रहा, ट्रेडर बन जा रहा है, खोल रहा नहीं हो रहा है तो खरीद बिक्री करने लग जा रहा है, समझे ना। हम भी देखिए छोटा सा एक तालाब रखे हैं, मुख्य रूप से हमारा इनसे परिचय हुआ कि हम भी एक तालाब रखे हैं, उसके लिए बीज का व्यवस्था के लिए दौड़े तो पता चला कि इनके पास बीज है मछली का। जी जी। ये बहुत बड़ा
सात आठ गो तालाब छोटा छोटा रखे हैं, उसमें स्पंज ला करके मछली का बीज तैयार करते हैं। मुख्य रूप से इनका बिजनेस वो है, और बहुत बड़ा मतलब कि फार्म भी बनाए हुए हैं, मुर्गी का भी देखे हैं, ब्रॉयलर मुर्गी का बच्चा डाल करके उसको तैयार करते हैं। प्लस और भी इनका बहुत विस्तार से काम फैला हुआ है। हम जब यहाँ मछली लेने आए तो इनसे परिचय हुआ, तो इनसे पता चला कि हम फार्मर हैं, बकरी पालन किए हुए हैं। तो ये बोले कि हम भी करना चाहते हैं। हम बोले आइए एक दिन मेरे फार्म पर, ये आएँ, इनको अच्छा लगा। पहले से भी सोच कर रखे थे, क्योंकि बहुत जगह ही जा करके ट्रेनिंग भी बहुत जगह कर चुके हैं, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत पुराना खिलाड़ी हैं, बहुत मतलब कि जानकार भी हैं, हर क्षेत्र में इनके पास जानकारी है। तो हम बोले ठीक है ले जाइए। वही आए, हमसे पांच छह को बकरी लिए, उसके साथ दो दो गो एक गो बच्चा हम दे दिए, 12-13 वहीं पुर गया था। और उसके बाद लेकर के आए, पांच छह महीने लगभग हुआ है जोड़ने जाड़ने से। और उसके बाद वो सब बच्चा देखिए थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, और फिर इनके यहाँ बच्चा दूसरा जनरेशन भी देना शुरू किया, 6-7 को बच्चा फिर आ गया है। इस पर डिपेंड नहीं है। और मुख्य कारण और एक है कि ये स्टॉल फीड पे ज्यादा नहीं रखते हैं जी, चराई पर ही बकरियों को रखते हैं। आसपास में जंगली थोड़ा सा क्षेत्र है, ये बकरी को डंटा लेके एक बच्चा के साथ भेज देते हैं, सुबह शाम 2 घंटा चर के आ जाती है, बकरी भी हष्ट पुष्ट रहती है, स्वस्थ रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई सर कि अपने साथ साथ ये चराई पर भी कर रहे हैं। स्टॉल फीट पर तो रखते ही हैं, खिलाते भी हैं यहाँ पर, लेकिन साथ साथ चराई पर भी। इससे कहा जाता है कि हरे चारा का अगर परिपूर्ण मात्रा में अगर बकरियों को मिलता है हरे चारा, तो उनकी तंदुरुस्ती बनी रहती है सर। बकरी का मुख्य भोजन घास है। हम लोग अपना स्वार्थ के लिए उसको स्टॉल फीड जो फीड लंद फंद बोलिए, लेकिन मुख्य उसका चारा तो घास है। अगर बकरी को घास मिल जाए, चराई मिल जाए, थोड़ा सा हरा चारा मिल जाए, तो वो मतलब कि समझिए कि उसका विकास ज़्यादा हो। जैसे हम लोग भात दाल खाएं, सब्जी रोटी खाएं, उसमें अगर दूध नहीं खाएं, मीट मछली नहीं खाएं, फल फूल नहीं खाएं, तो पूरी हमको पौष्टिक आहार नहीं मिलता। उसी तरह से बकरी को भी हरा चारा बहुत जरूरी है। ये 1-2 घंटा चरा देते हैं, परिपूर्ण इनको मिल जाता है। छोटा छोटा पठिया खरीद खरीद के लाए थे, कुछ बकरी के साथ बच्चा आया था, 2-4 को छोटा पठिया था, आज देखिए सब बड़ा होकर इनके पास लगभग 20 हो गया। उस वक्त पास जैसे तैसे फराया था, अब देखिए 2-4-5 को देसी बच्चा बरबरी से आ गया है। लेकिन अब ये सुधार में है, विकास में है, और आने वाला एक समय के बाद एक अच्छा फार्मर ही बन जाएंगे। बाकी तो इनका मछली का बिजनेस परिपूर्ण रूप से चल रहा है, ब्रॉयलर का चल रहा है, और यहाँ पे वीडियो डालने का सबसे मुख्य हम लोगों का यही मतलब कि समझिए कि स्रोत है कि इनका मछली का जो बीज का स्पंज का बिजनेस जो है वो आगे बढ़े। लोग जिनको भी मछली का बीज का जरूरत हो, जो किसी भी प्रकार का मछली का बीज हो, बिल्कुल बिल्कुल वो इनके पास मिलेगा। तो सर ये बताएंगे थोड़ा सा कि मछलियां का जो बीज तैयार करते हैं सर, वो कौन कौन सा उसमें रहता है मछली, जैसे जासर, कतला, कौन कौन सा है? रेहू जी, कतला, नैनी और सिल्वर कार्फ, ग्रास कार्फ मुख्य रूप से हम यहाँ ही बीज रहता है। तो कहाँ से कहाँ तक के किसान, जैसे कि पूरे बिहार में आप करते हैं या फिर बिहार से बाहर के भी किसानों को आपसे लाभ ले सकते हैं? उतना स्तर, बड़ा स्तर पर तो है नहीं जीरा का बिजनेस मेरे पास जी सर। तो नवादा, नालंदा और शेखपुरा, ये 3 जिला का लोग मेरे पास आते हैं बीज लेने के लिए। इन जिलों के जो लोग देख रहे होंगे, जो मछली पालन कर रहे होंगे, अगर चाहेंगे कि आपसे लेकर के हम भी मछली पालन की शुरुआत एक बेहतर ढंग से करें, तो जुड़ सकते हैं आपसे? बिल्कुल, आपके नंबर के माध्यम से। जी जी। तो एक और जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे कि जितेंद्र जी आपको पूरी तरीके से मदद करते हैं बकरी पालन के क्षेत्र में? महारथी हैं आदमी भाई, मदद करते रहते हैं, पूरा मदद करते हैं, किसी भी तरीके का परेशानी होता है। जी जी सर, काफी सारे अभी हम देख रहे हैं कि फार्म जो बंद हो जाता है, मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो काफी सारे ऐसे नौजवान युवा इस क्षेत्र में आ रहे हैं और बहुत जल्द उनका फार्म बंद हो जा रहा है, तो कारण आखिर क्या रहता होगा? उनका सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर क्या कारण रहता है सर? देखिए सर, सबसे बहुत अच्छा सवाल किए, इसी सवाल पे तो पूरे बिहार में चर्च होना चाहिए कि फेल क्यों हो रहा है। आज हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे दिग्गज जो ट्रेनर है वो मेहनत कर रहे हैं, और उसके बाद भी लोग फेल हो जा रहे हैं। उसका सबसे मुख्य बिंदु है सर, देखिए अच्छा गाइडलाइन नहीं है। हम अपने लिए कर ले रहे हैं, मान ले ट्रेनिंग दे रहे हैं तो अपने लिए दे रहे हैं, बकरी बेच रहे हैं अपने, कुछ किसान के लिए भी सोचें और किसान को हद तक ये मशवरा दें, ये गाइडलाइन करें कि आप ट्रेनिंग लिए बहुत अच्छी बात है, किसी चीज़ का जानकारी लेना, जानकारी प्राप्त करना, अब यहाँ से जाकर के शुरुआत आप छोटे स्तर से करें जी, समझे इस बिजनेस को। जितना आसान आप बकरी पालन को समझते हैं कि वो 100 से चला रहा है, 200, वो 100 से चला रहा, कितना मेहनत कर रहा, कितना उसके पीछे समय दे रहा, कितना अनुभव है उसके पास, कितना खर्च कर रहा, आपको पता नहीं, आप सिर्फ देख रहे हैं। देखने और करने में बहुत अंतर होता। हमारा कहने का मतलब ये कि आप ट्रेनिंग लिए बहुत अच्छी बात है, सीख लिए, ख्वाब है, शौक है, आप 2 बकरी ले, 4 बकरी ले, इससे अधिक नहीं ले। 2-4 बकरी जब भी आप लेंगे तो अच्छा बकरी लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि काफी कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत करें। जैसे होता क्या है, अच्छा बकरी में बहुत पैसा लगता है,
गिनती सिर्फ पूरा कर लेते हैं लोग कि 10-20 ले लिए, दो बकरी चार बकरी लेंगे अगर महंगा भी लेंगे तो आपको कम ही पैसा लगेगा, और दो चार बकरी अच्छा आप खरीद सकते हैं, और दो चार बकरी से आप डेवलपमेंट करना शुरू करें, दो से चार, चार से आठ, आठ से बारह, बारह से सोलह, इस तरह से अगर अपना बकरी आपके पास 20 हो जाए, अपना घर का बकरी 20 हो जाए तो आप सक्सेस हो जाइएगा, वहां से फार्मर बन जाइएगा, फिर बड़ा फार्म बनाइए उसमें डालिए। आप चाहिएगा कि हम खरीद करके 20 बकरी 30 बकरी या 15 बकरी से फार्म सक्सेस कर ले यथासंभव, यह संभव नहीं है क्योंकि अपने बिहार में अच्छी बकरी नहीं मिल रही है, लोग हवा बने ले बरबरी 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 बरबरी, तो बरबरी आप खरीद कहां रहे? मतलब कहने का मतलब है कि होम ब्रीड पर आप ज्यादा काम करें, होम ब्रीड पे भी काम करें, अगर बरबरी भी आप खरीदना चाहते हैं करना चाहते हैं, मतलब घर के ला करके अगर दो बकरी आप ला रहे हैं या फिर चार बकरी ला रहे हैं तो उसी पे आप मेहनत करें, आगे जरूर बढ़ेंगे, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दो बकरी खरीदिए, एकदम मस्त से मस्त बकरी खरीदिए, चाहे रुपया जितना लग जाए है ना, वो अच्छा आएगा, अच्छा प्रोडक्शन देगा, अच्छा आपके यहाँ बढ़ेगा। आप 10 खरीदिएगा, जाहिर सी बात है कि आप सस्ता में जाइएगा। एक और जानकारी सर से हम लेना चाहेंगे कि सर जब आप यहाँ पे बकरियों को लाए थे तो सर क्या क्या खाने पीने में अभी तक आप क्या क्या यहाँ पे खाने में फर्म पे आप क्या क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं? गेहूँ का भूसा जी और इसका गेहूँ का दलिया। तो मिनरल मिक्सचर सर क्या क्या दे रहे हैं? मिनरल मिक्सर में लाते हैं, इसका आता है भिरबैग का। एक और अहम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ज़्यादा फेल होने का चांस ये भी बना हुआ रहता है कि वैक्सीनेशन सही समय पे नहीं करते हैं। तो सर आप वैक्सीनेशन करते हैं, पीपीआर वगैरह का वैक्सीनेशन करते हैं? पीपीआर का साल में एक बार करते हैं, पीपीआर का हम लाए थे वहाँ से तो कर दिए थे, और इसका ETN TT का वैक्सीन दोबारा भी कर चुके हैं हम। तो आपका शेड्यूल जी महीना पर जी ETN TT का वैक्सीन होना चाहिए जी सर। तो आपका शेड्यूल क्या है सर, सुबह से शाम तक का क्या आपका रूटीन है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधु को भी बताएंगे? क्या यही रूटीन है, किसान का कोई रूटीन होता है? रूटीन सर क्या, कौन से समय में क्या खिलाते हैं, कब आप चराई पे ले जाते हैं, ये सब थोड़ा सा? सुबह मेरा यहाँ स्टाफ आता है जी सर, सुबह खोल के चराने के लिए, वहाँ से आता है तो थोड़ा कटुआ, वही गेहूं का भूसा और गेहूं का दलिया खाने के लिए देते हैं, फिर शाम में 3 बजे के आसपास चराने के लिए ले जाता है वही, और वही गेहूं का जो दलिया है उसी में मिनरल मिक्सर और कैल्शियम और ओरल देते हैं इसको, भीमरौल जी ब्रोटोन, ये सब मुंह में देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर और कुछ हमारे किसान भाई को जानकारी आप देना चाहेंगे? हम तो सर हमेशा से यही बोलते आए हैं, इसके लिए हम बदनाम ही हैं, कि बकरी पहचानिए, अगर बर्बरी खरीद रहे हैं तो बर्बरी खरीदिए, बर्बरी का नाम मत खरीदिए। अगर ब्लैक बंगाल खरीद रहे हैं तो ब्लैक बंगाल खरीदिए, ब्लैक बंगाल का नाम मत खरीदिए। अच्छा दो ही सामान लेकर के आइए सर, और आप देखिए 2 से कैसे 20 हो जाता है, 20 से कभी 500 नहीं होगा, नहीं होगा। हम दावा हर चैनल में हर वीडियो में अपना करते हैं कि कोई 5 साल से फार्मिंग अगर चला रहे हैं, 100-200 बच्चा हर महीना हर साल अपना प्रोडक्शन बेच रहे हैं तो हमसे बात करें। ला करके बाहर से बुड़बक बना करके बेच लेना वो फार्मिंग नहीं होता है, कितना कितने को बर्बाद करेंगे सर, अब तो सुधर जाइए जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपको भी इतनी सारी जानकारी देने के लिए, और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।